अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप देख रहे हैं गेम्स एंड ग्राफिक जीएस, ठीक है। तो आज हम भाई 33S वीवो का जो 8128 में मॉडल है उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। बेहद कमाल का डिज़ाइन है इसका। और चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या कहें। सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें पाउच मिल जाएगा, ठीक है। ज़बरदस्त सिलिकॉन पाउच है, डस्ट प्रूफ। और इसमें आपको स्टाइलिश डिज़ाइन में Y33S देख रहे हैं आप, कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका। तो अब आप इस हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद आपने चलो एक्सेसरीज वगैरह देते हैं। इसमें आ जाता है केबल, आ जाती है 18 वाट फास्ट चार्जिंग, हैंड फ्रीज अभी दी हुई इन्होंने, और 18 वाट का फास्ट चार्जर आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको सिम इजेक्टर भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको फ़ोन को अब एक्टिव करते हैं, ठीक है। एक्टिव करने के लिए हमारे पास एक सिम होनी चाहिए और वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए। जिस सिम पे डाटा हो तो फिर भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले ये आपको इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपने रीजन पाकिस्तान सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। एग्री पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, फिर एग्री पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे है ना, फॉलो करते जाना है, एग्री करके फिर नेक्स्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट कर देना, इधर इधर स्किप कर देना, ऑफलाइन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट कर देना, फिर नेक्स्ट करके फिर स्किप कर देना इसको, फिर नेक्स्ट करके आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो हमारा ये फ़ोन अब ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इस पर चेक करेंगे, इसमें सिम डालेंगे, ठीक है। सिम इसके ऊपर डलती है, ठीक है। ये बड़ा बेनिफिट है कि पुराने मॉडल्स में अक्सर सिमें जो है साइड पे डलती थी, इसमें हमने जोंग की सिम डाली है, ठीक है। और अब हम इसमें वाईफाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद vivo.com पे जाएंगे, ठीक है। एग्री पे क्लिक करके एग्री करेंगे और सर्विसेज पे जाके एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करते हैं, जैसे ही एक्टिवेटिंग डिटेक्टिंग आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली एग्री करना है और आगे आपसे पूछेगा नाम और ईमेल, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं देना, एग्री पे क्लिक करके बस सिंपली बैक आ जाना, ठीक है। एग्री करेंगे तो ये हमारा सेट एक्टिव हो गया है, ठीक है। सेट एक्टिव हो चुका है और इसकी साल वारंटी आज से स्टार्ट हो गई है। तो ज़बरदस्त फीचर्स हैं सारा कुछ इसमें। एक्सटेंडेड रैम है, 4GB एक्सटेंड रैम आ जाती है, टोटल 12GB आ जाती है, 128GB मेमोरी आ जाती है इसमें। तो फन टच अभी तो इसका 11 ही है, तो इंशाल्लाह को एक मंथ बाद इसका 12 हो जाएगा, क्योंकि सारे वीवो के मॉडल्स जो हैं जो फन टच 12 पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो फन टच अभी तो इसका 11 ही है, ठीक है। इसकी छोटी सी अपडेट आई होगी, आपने इसको अपडेट कर देना, ठीक है। अपडेट से ये फ़ायदा होता है कि जो इसकी स्पीड वगैरह बेटर हो जाती है और जो एप्लीकेशन है वो रनिंग अच्छी तरीके से करती हैं। तो इसकी सिस्टम अपडेट पे भी कर सकते हैं, वैसे अगर अपडेट आई हो तो वैसे भी इसकी ये स्टोरेज बता रहा है कि 24GB यूज्ड है इसकी सॉफ्टवेयर वगैरह। और ये एक्सटेंड रैम है, इसको ऑन ऑफ कर देंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये 8GB शो करवाएगा, फिर अभी करवाएगा 8+4, ठीक है। तो इसका बड़ा बेनिफिट है, बड़ा स्लिम और स्टाइलिश एट साइड फिंगर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो 40 की रेंज में ये बेस्ट वीवो का सबसे बेटर फ़ोन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।